इसी को जब हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए 215 एंड बी 343 इज डिवाइडेड बाय द प्लेन 2x plus 2y minus 2z is equal to 1 in 5:7। हिंदी में अतः बिंदुओं ए ब्रैकेट में 215 तथा बी ब्रैकेट में 343 को मिलाने वाली रेखा समतल 2x plus 2y minus 2z is equal to 1 के द्वारा 5:7 में विभाजित होती है। ये हो गया, ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा था। अब ये एक छोटा सा हिस्सा और बचा है। क्या बचा है? हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक हमें निकालना था। चलिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या है? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये सी है, सी का कोऑर्डिनेट एच के और जी है, यानी हमको भी एच के और जी की वैल्यू निकालनी बची है इसी क्वेश्चन में। देखिए, एच की वैल्यू ये है, के की वैल्यू ये है और जी की वैल्यू ये है। आपने लैम्डा निकाला हुआ है 5/7। लैम्डा की वैल्यू को हर जगह रख दीजिए, सॉल्व करिए, आपको एच का, के का और जी का वैल्यू पता चल जाएगा। क्या करना है? लैम्डा की इस वैल्यू को यहां पर दोनों जगह लैम्डा की जगह रखकर इसको सॉल्व कर दीजिए, एच का कोई वैल्यू आएगा। उसी लैम्डा की वैल्यू को आप इन दोनों जगहों पर रखकर सॉल्व करिए इसको, ऐसा करने से के की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू को यहां रखकर सॉल्व करेंगे जी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार जब आपको एच के और जी तीनों पता चल गया तो समझ जाइए आपको बिंदु सी का निर्देशांक पता चलेगा और यही पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना था। इतना आप स्वयं से करिए, ये पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन को। चलिए आखिरी क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा गया है? द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की बात की जा रही है। ट्राइंगल की अगर बात की जा रही है, सबसे पहले डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बोला गया है। पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल इधर बना लेते हैं। नाम कुछ है क्या ट्रायंगल का? हमारे ट्रायंगल का कोई नाम नहीं है, हम अपना ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और सी। बोला क्या गया है? बोला गया है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर। एक ट्राइंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट के बारे में बताया गया। एक त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु के बारे में हमें बताया गया। मान लीजिए ए बी का मिड पॉइंट यहां पर है, बी सी का मिड पॉइंट
यहां पर है और एसी का मिड पॉइंट यहां पर है, एबी का मध्य बिंदु ये है, बीसी का मध्य बिंदु ये है और एसी का मध्य बिंदु ये है। नाम इसका दे देते हैं ई एफ जी। हमने बीसी के मिड पॉइंट का नाम ई दे दिया, एसी के मिड पॉइंट का नाम एफ दे दिया और एबी के मिड पॉइंट का नाम जी दे दिया। क्वेश्चन में आइए, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ये और ये, यानी ये तीनों के तीनों जो हैं ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, तीनों के तीनों मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं। हिंदी में आइए, क्वेश्चन को अगर हिंदी में देखें, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः 1 5 -1 0 4 -2 तथा 2 3 4 हो तो उसके शीर्ष ज्ञात कीजिए। शीर्ष ज्ञात कीजिए, शीर्ष मतलब ये वर्टेक्स हमको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। दिया क्या है? दिया है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू है 1 5 -1 1 5 -1। F की वैल्यू 0 4 -2 और G की वैल्यू 2 3 4। ये हमको दिया हुआ है, निकालना क्या है? वर्टेक्स निकालना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, A के कोऑर्डिनेट को हम X1, Y1 और Z1 मान लेते हैं, B के कोऑर्डिनेट को हम X2, Y2 और Z2 मान लेते हैं और C के कोऑर्डिनेट को X3, Y3 और Z3 मान लेते हैं। हमने क्या किया? हमने A के कोऑर्डिनेट्स, B के कोऑर्डिनेट्स और C के कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिए। अब आइए लैंग्वेज लिख दीजिएगा। लैंग्वेज क्या? लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 and X3, Y3, Z3। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में ये लिखा है, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी आर X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 एंड X3, Y3, Z3। इसको हिंदी में ये लिखा गया है, माना बिंदुओं ए बी तथा सी के निर्देशांक, माना बिंदुओं ए बी तथा सी के निर्देशांक क्रमशः X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2 तथा X3, Y3, Z3 हैं। यहां तक लैंग्वेज लिखने के बाद ध्यान से समझिए, जी जो है किसका मिड पॉइंट है, जी किसका मध्य बिंदु है, जी जो है ए और बी को मिलाने वाले लाइन का मिड पॉइंट है, जी जो है ए और बी को मिलाने वाले का मिड पॉइंट है। ठीक इसी तरह से सोचिए, ई किसका मिड पॉइंट है, ई जो है बी और सी को मिलाने वाले का मिड पॉइंट है, एफ किसका मिड पॉइंट है, एफ किसका मध्य बिंदु है, एफ
ए और सी को मिलाने वाले लाइन का मिड पॉइंट है। अब देखिए इसी चीज को कैसे लिखेंगे, जी जी का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 4, 2 3 4 इन मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एक्स वन वाई वन जेड वन एंड बी एक्स टू वाई टू जेड टू। हिंदी में क्या है, जी ब्रैकेट में 2, 3, 4 बिंदुओं ए एक्स वन वाई वन जेड वन तथा बी एक्स टू वाई टू जेड टू को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। ये हो गया हिंदी में इसका लैंग्वेज। अच्छा अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, यहां पर ए है, यहां पर बी है और इसका मिड पॉइंट जी है। तो सेक्शन फॉर्मूला या मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम जी का एक्स वाई और जेड निकालते हैं। जी का एक्स कैसे निकलेगा, यहां का एक्स और यहां का एक्स जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर जी का एक्स आएगा। तो देन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु सूत्र से जी का एक्स क्या है, जी का एक्स 2 है। ये 2 किसको किसको जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, ए का एक्स और बी का एक्स। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई 2। ये 2 को अगर आप इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा, 4 इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू आएगा। तो इसी को मैं लिखता हूं एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू 4 और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। क्या किया गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया गया x का, तो g का x 2 था, a का और b का x वाला हिस्सा x1 और x2 है, x1 x2 को जोड़ के 2 से डिवाइड किए सॉल्व करके आ गए। ठीक है, सही इसके y वाले का पार्ट, तो y वाला हिस्सा यहां पर 3 है, तो ये आएगा y1 प्लस y2 by 2। सोचिए वापस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, y1 प्लस y2 is equal to 6, ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। फिर z वाला हिस्सा 4 है, क्या आएगा z1 प्लस z2 by 2, यहां से z1 प्लस z2 is equal to 8, ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। ये तो हमने बात की इस लाइन के लिए, क्या ऐसे ही सेम इसी तरह से हम इस लाइन के लिए भी सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। तो इस लाइन के लिए भी ठीक वैसे ही सोचना है, तो इतना लिखने से ज्यादा अच्छा है उसको सिमिलरली करके लिख लिया जाए, इसी प्रकार करके लिख लेंगे, क्या है इतना वापस नहीं लिखना पड़ेगा। अब जरा सोचिए बिना पेन और पेपर के कैलकुलेशन करेंगे, बिना पेन और पेपर के कैलकुलेशन में ये ई जो है बी और सी का मिड पॉइंट है, तो ये इसका एक्स वाला हिस्सा है, ये एक्स वाला हिस्सा इन दोनों के एक्स को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर आया होगा, तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन का 2, ये किसके बराबर आ रहा है, x x की जगह पर यहां 1 है तो 1 के बराबर आ रहा है। यहां से क्या आएगा, x2 plus x3 is equal to 2, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। यहां से y का हिस्सा लेंगे तो ये है हमारा
y2 plus y3 by 2 is equal to y की जगह पर यहां पर 5 है, तो यहां से y2 plus y3 is equal to 10, ये है इक्वेशन नंबर 5। और z वाले हिस्से को लेंगे तो z2 plus z3 z2 plus z3 upon का 2 is equal to माइनस का 1, तो यहां से क्या आएगा z2 plus z3 is equal to माइनस का 2, ये है आपका इक्वेशन नंबर 6। ये तो बात की हमने इस वाले साइड की, सेम चीज अब इस वाले साइड में आ जाइए। f जो है a और c का मिड पॉइंट है, तो यहां पर फिर से हम ऐसे लिखेंगे, इसके लिए मैं यहां पर मिटा देता हूं, f का ये x वाला हिस्सा है, तो ये x वाला हिस्सा कैसे आ रहा होगा, यहां के x और यहां के x को जोड़कर 2 से डिवाइड करने पर आया होगा, तो यहां से x1 plus x3 upon का 2 is equal to 0, तो यहां से हमारा क्या आएगा x1 plus x3 is equal to 0, ये 2 इसके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 तक तो वहां था, ये है इक्वेशन नंबर 7। y के लिए अगर सोचेंगे तो y1 plus y3 आएगा, y1 plus y3 upon का 2 is equal to, यहां से हमारे पास 4 है, तो यहां से सोचिए ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, y1 plus y3 is equal to, ये हमारा 8 आ जाएगा, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 8। z के लिए अगर सोचेंगे तो z1 plus z3 upon का 2 is equal to, यहां से हमारा माइनस का 2 है, तो यहां से z1 plus z3 is equal to, ये हमारा माइनस का 4, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 9 हो गया। टोटल 9 इक्वेशन बने हैं, टोटल अगर 9 इक्वेशन बने हैं, तो अब इसको सॉल्व करके हमको हमारा मेन मकसद है x1 y1 z1 निकालना, x2 y2 z2 निकालना और x3 y3 z3 निकालना, क्योंकि क्वेश्चन में हमको उसके 6 बोला था ज्ञात करने। चलिए कैसे निकालते हैं, आप यहां से x वाले लाइन को देखिए, कौन-कौन सा लाइन आपका x का है, x वाला लाइन जो है आपका इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन नंबर 4 में है और इक्वेशन नंबर 7 में है, इन तीनों को आप एक साथ जोड़िएगा, इन तीनों को एक साथ जोड़ना है, मैं इसके लिए इधर का हिस्सा मिटा रहा हूं, एक्स वाले सभी को एक साथ हमें जोड़ना है, एक्स वाले को एक साथ जोड़ने के लिए कौन कौन सा इक्वेशन एक्स का है, 1 है, 4 है और 7 है, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 4 एंड 7, जोड़ेंगे तो LHS LHS के साथ जोड़ेगा और RHS RHS के साथ। अब जरा सोचिए, यहां x1 plus x2 है और यहां x2 plus x3 है और यहां x1 plus x3 है, ध्यान से समझिएगा, x1 यहां पर है और यहां पर है, तो x1 plus x1 2x1 हो जाएगा, x2 यहां पर है और यहां पर है, ये 2x2 हो जाएगा और x3 यहां पर है और यहां पर है, तो ये 2x3 भी हो जाएगा। LHS वाले सारे को जब आप एक साथ जोड़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि x1 दो बार आ रहा है, x2 भी दो बार आ रहा है और x3 भी दो बार आ रहा है, तो यहां से 2x1 plus 2x2 plus 2x3 is equal to,
अब इक्वल टू के बाद आते हैं, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है और यहां पर 0 है। 4 2 6, 6 और 0 6। यहां से देखिए 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलते ही x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। तो यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू, ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 9 तक तो आ गया था, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 10। हमने सारे x वाले को जोड़ा था, अब बारी है y वाले। तो y वाले में कौन कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 5 है और इक्वेशन नंबर 8 है। एडिंग इक्वेशन y वाला हिस्सा कौन कौन सा है? 2 में है, 5 में है और 8 में है। एंड 8 y वाले में भी सोचिएगा तो सेम वही आएगा, 2y1 2y2 2y3। देख लीजिए, यहां से मैं लिख सकता हूं 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 इज इक्वल टू के बाद वाले में यहां 6 है, यहां 10 है, 16 हो गया और यहां पर 8 है, 16 और 8 24, तो यहां से ये 24 आ जाएगा। यहां से आप 2 कॉमन निकालिएगा, 2 को इधर ले आकर डिवाइड करिएगा, तो यहां पर आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 11 है। और सेम ऐसे ही अब जेड वाले को ऐड करना है। जेड वाले को ऐड करने के लिए आपका कौन कौन सा इक्वेशन बच गया? इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 9। इन तीनों को ऐसे ही लैंग्वेज लिखकर ऐड कर लीजिए। यहां पर भी आपका वही 2z1 प्लस 2z2 प्लस 2z3 आएगा। अब इज इक्वल टू के बाद का सोचिए, यहां पर 8 है, यहां पर माइनस 2 है, तो 8 माइनस 2 प्लस का 6 बन गया, प्लस का 6 और माइनस का 4, माइनस का 4 करने पर 2 आएगा। 2z1 प्लस 2z2 प्लस 2z3 इज इक्वल टू 2, तो यहां से z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू आपका 1 आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा, आपका ये 1 आएगा। ये इक्वेशन नंबर 11 तक पहुंच गए थे, ये है आपका इक्वेशन नंबर 12। अब बारी बारी से एक एक इक्वेशन की वैल्यू रखते जाएंगे, हमको x1 y1 z1 मिलता चला जाएगा। कैसे मिलेगा जरा समझिए। इक्वेशन नंबर 10 में आइए, इक्वेशन नंबर 10 में देखिए x1 प्लस x2 की वैल्यू आपकी क्या है? x1 प्लस x2 की वैल्यू 4 है। x1 और x2 की जगह पर अगर मैं 4 रख दूं तो इसको सॉल्व करूंगा तो x3 निकल जाएगा। x3 निकलेगा कैसे? x1 प्लस x2 की जगह पर मैंने 4 रख दिया तो मेरा x3 निकल जाएगा। x3 मेरा कितना निकल जाएगा? यहां पर 4 है, 4 इधर आकर माइनस होगा, ये हमारा माइनस का बन आएगा। अब आइए इसमें x2 प्लस x3 है, x2 प्लस x3 की वैल्यू 2 है। x2 प्लस x3 की जगह पर अगर मैंने 2 रख दिया तो यहां 2 रखने पर ये 2 इधर आकर माइनस होगा, तो यहां से x1 की वैल्यू 1 आ रही है। यहां पर x1 प्लस x3 0 है, x1 प्लस x3 इन दोनों के बदले में अगर मैंने 0 लिख दिया तो x2 की वैल्यू 3 आ गई। देखिए x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। ठीक ऐसे ही y वाले को लेकर, ये आपका y1 y2 y3 की वैल्यू है। इसमें y1 प्लस y2 की जगह पर 6 रख दीजिए,
y1 प्लस y2 की जगह पर 6 रखेंगे तो ये इधर आकर माइनस होगा, तो y3 जो है 6 बनेगा, y3 आपका 6 बन गया। फिर आइए y2 प्लस y3 आपका 10 है, y2 और y3 की जगह पर अगर आप 10 रखेंगे, 10 उधर आकर माइनस होगा तो y1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 2 और y1 प्लस y3 की जगह 8, y1 प्लस y3 इसकी जगह पर अगर 8 रखेंगे तो यहां से y2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक काम अब और बचा है, z वाला निकालना। आप z वाले को ठीक इसी तरह से रख कर निकालिए, तो यहां से आपको z3 निकलेगा, यहां पर z1 निकलेगा और यहां पर z2 निकलेगा। z1, z2, z3 जब निकल जाए तब ध्यान से देखिए, x1, y1, z1 का ये जो वैल्यू है ये आपका वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट है, x2, y2 और z2 का जो वैल्यू आएगा ये आपका B का कोऑर्डिनेट था, और x3, y3 और z3 का जो वैल्यू आएगा ये आपका C वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। हमें क्वेश्चन में x1, हमें क्वेश्चन में तीनों के तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना था, तीनों शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे, तीनों शीर्षों के निर्देशांक आपको यहां से किस तरह से मिलेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बस उन्हें थोड़ा ध्यान से और थोड़ा धैर्य से सॉल्व करना रहता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे।